Hello guys, this is Jaiman and you are watching All About Business. सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे हजार सब्सक्राइबर पूरे कर लिए. सो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें. मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी से अच्छी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और आई थिंक शायद आप लोग कुछ सीखें कुछ मेरे को सिखाएं. सो गाइज आज मैं आपको बताऊँगा कि एक्सरसाइज जो मर्जी करो, चाहे आप कराटे कर रहे हो, जिम कर रहे हो, जिमनास्टिक कर रहे हो, योगा कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है वो है आपका बॉडी वार्म अप. अगर आपका बॉडी वार्म अप नहीं है तो आपको इंजरी होने की 80% चांस है. आपका शोल्डर इंजर्ड हो जाएगा, आपकी बैक इंजर्ड हो जाएगी, कुछ भी चीज़ इंजर्ड हो सकती है. सो आज हम आपको बताएंगे फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज. सो आज मैं वैसे नॉर्मली बताऊँगा जो बेसिक कर सके. सो आप अपनी राय मेरे को कमेंट में देना कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाए तो हम एडवांस में भी जाएंगे. सो कंटिन्यू देखते रहेंगे. सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज है जंप, नॉर्मल जंप आप जैसे ही कर सकते हो. 20 रेपिटेशन है, मैं बीच बीच में फॉरवर्ड करूँगा. 20 रेप्स के बाद आपने स्ट्रेच करना थोड़ा सा. 20 रेप्स आपके 20 रैप्स पूरे रहेंगे. अब 1 सो गाइस मैं बीच बीच में वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि लंबी ना बने और आप लोगों का इंटरेस्ट बनता रहे. सो नेक्स्ट सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है रनिंग. सो हमने कम से कम अगर आपने रनिंग करनी है तो 5 मिनट शुरू कर दें. तो ये भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा जब आपने कम से शुरू करें. फर्स्ट जैसे बॉडी को फॉर्म में आने के लिए स्पीड कम रखी. सो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, बट आपने कम से कम 5 की स्पीड पे 2 मिनट चलना है, देन 1 मिनट, देन एंड द लास्ट स्प्रिंट जो होगा वो आपका 30 सेकंड का होगा, जो 20 किलोमीटर की स्पीड से होगा. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जब आप रनिंग करोगे तो एक कम से मशीन को बंद नहीं करना है. स्प्रिंट लगाने के बाद कम से कम 1 मिनट तक नॉर्मल स्पीड लगाना जितना आप कर सकते हो, देन आप रनिंग स्टॉप कर सकते हो. कोई भी एक्सरसाइज कर लो, सबसे जो दी बेस्ट एक्सरसाइज है वो है रनिंग, क्योंकि आपके वो पैर से लेके फुल बॉडी को वार्म अप करती है. रनिंग से बेस्ट कोई वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है. अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा थकाऊंगा फिर भी. जिनके पास ट्रेडमिल नहीं है उनके लिए नॉर्मल दिन में रखें. सो ये 1, 2, 3 करने हैं और इसके 3 सेट करने हैं.
गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है जैक की स्ट्रेचिंग की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमने बिल्कुल टांगों उसी तरह में अपने हाथ को अपने टोज के साथ रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये 29 झटका नहीं देना है। सो नेक्स्ट वन इज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने पैरों को ना खोलना जितना आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, देन ये करना है। थोड़ा सा और प्यार दे दो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय।